तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो साइंस का क्वेश्चन हुआ है सीबीएसई क्लास टेंथ का, उसका एजर्सर रीजन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने इसमें सॉल्यूशन किया है तीनों सेट का। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव का मैंने वीडियो अभी डाल चुका हूं, तो वीडियो के लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आपको कॉर्नर में एक बॉक्स मिल जाएगा, आप उससे सारे ऑब्जेक्टिव तीनों से ही सेट का मिला सकते हैं। तो तीनों सेट के एजर्सर रीजन की ओर हम चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसके साथ ही बहुत सारे और भी क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन किया है तीन मार्क्स वाले का भी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। कार्बन जो है कभी भी नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा सकता है। तो अब दूसरे की बात करते हैं, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में और ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को खुद कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ, तो ये सही है। तो इसमें बोल रहा है कि जब एजर्सन फॉल्स हो और रीजन सही हो, तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है जो सही होगा। अब दोनों ही एजर्सन रीजन तीनों सेट्स में सेम थे। एट हाई टेम्परेचर्स मेटल वायर्स हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, यानी कि हाई टेम्परेचर पे मेटल वायर्स में शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये कह रहा है पहला, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उस टाइम रेजिस्टेंस जो होता है, जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इसका रीज़न बोल रहा है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों जो हैं जो टेम्परेचर के साथ वैरी करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये एजर्सन भी सही है और रीज़न भी सही है। और जो रीज़न है वो एजर्सन का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि ये जो होता है वो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर इफेक्ट जो पड़ता है उसकी वजह से होता है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, एजर्सन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न जो है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एजर्सन का, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो होगा 1। तो अगर आपने ये किया तो बिल्कुल आपका सही होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है, सेट 1 में ये 15 में था और सेट 3 में ये 17 में क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें दोनों का ही मैंने आंसर किया है, आपने जिसका भी किया है आप मिला लें। नेम द गैसेस इलेक्ट्रोलाइसिस किए वाटर का, तो वहां पर कौन सा गैस एनोड पे और कौन सा गैस कैथोड पे होगा, तो मैंने लिख रखा है O2 एनोड पे और कैथोड पे H2, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज 2 times डैट ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर इसका हम इक्वेशन देखते हैं, तो इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इसके इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 मॉलिकल्स लगते हैं और ऑक्सीजन के 1 ही मॉलिकल लगते हैं, तब ये वाटर के 2 मॉलिकल्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इसको अपोजिट कंडीशन में जब हम डालते हैं, तो जो लिबरेट होती है हाइड्रोजन वो डबल होती है अमाउंट में ऑक्सीजन के अमाउंट के, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन में हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन का जो होता है योगदान वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लगभग डबल, लगभग क्या मतलब फाइनली डबल होता है, ठीक है। तो ये इसमें अगर आप इससे मिलता जुलता आप आंसर लिखा है आपने, तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा। फिर पूछ रहा है कि अगर H2SO4 नहीं ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हैपेंड नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस विल नॉट हैपेंड, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो उसका जो है जो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। अब इसी में और करके क्वेश्चन था, अगर आपने ऊपर वाला नहीं बनाया नीचे वाला बनाया है तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ए केमिकल कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, तो ये कौन सा है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है, जी बिल्कुल, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और इसका कॉमन नेम है वाशिंग सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। अगर अभी आपने इसमें 10H2O नहीं दिया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रिपरेशन, तो साल्वे प्रोसेस से ये बनता है और यहाँ पे जो इक्वेशन होता है वो NaCl + NH3 + CO2 + H2O, तीर का निशान NaHCO3 + NH4Cl, ठीक है। तो ये साल्वे प्रोसेस होगा अगर आपने इसको डाला, या साल्वे प्रोसेस अगर आपने नहीं लिखा है बिल्कुल इसमें, लेकिन मेंशन होना चाहिए था। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग Ca और Mg salts, तो अगर इसमें कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और ये सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ये रिएक्ट किया है तो सोडियम सल्फेट और यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो अगर आपने उसका इक्वेशन भी मैंसन कर दिया तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब बताइए कि आपको इस पूरे पेपर में कौन कौन से पार्ट का सोल्यूशन चाहिए, मैं बैठा हूँ आपके सोल्यूशन के लिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
हैं और हमारा एप्लीकेशन भी आ रहा है मैथमेटिक्स का, उसमें बहुत सारा सेट आपको दिया जाएगा आंसर के साथ, साइंस का भी दिया गया था और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। तो आप हमारे ऐप के रिलीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर दें, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ से आप देख लीजिए पिछला वीडियो।